बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट की कई दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आईं, जिसे देखकर दिल दहल उठता है। यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से मौत के मंजर की वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन मौत के आंकड़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी भयावहता क्या रही होगी, जिसमें 275 लोगों की जान चली गई। अभी तक कई शवों की पहचान तक नहीं हो पाई है, लेकिन हमारे रेल मंत्री ने डेड बॉडीज़ को उनके परिवार वालों से मिलाने की ठान ली है, ये कहते हुए उनकी आंखें भी भर आईं। बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए, उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे, ये हमारा दायित्व भी खत्म नहीं हुआ है। बहुत ताउम्र ना भुला पाने वाले इस हादसे को 3 दिन बीत चुके हैं। इस दौरान इस एक्सीडेंट को लेकर कई कहानियां सामने निकल कर आ रही हैं। ऐसी एक कहानी है एम के देव की, जो कोरोमंडल ट्रेन में बेटी के साथ कटक जा रहे थे। देव बताते हैं कि अगर उनकी बेटी ने जिद ना की होती तो आज वो जिंदा नहीं होते। एम के देव अपनी 8 साल की बेटी के साथ शुक्रवार की शाम उसी कोरोमंडल एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे, जो भीषण हादसे का शिकार हुई। देव भी नहीं जानते थे कि बेटी की जिस जिद की वजह से वो सीटों की अदला बदली कर रहे हैं, वो जिद उन्हें नया जीवन दान दे रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बाप बेटी की जोड़ी खड़गपुर में ट्रेन में सवार हुई और उन्हें कटक में उतरना था, क्योंकि शनिवार को उनके एक डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी। हालांकि उनके पास 3rd AC कोच में यात्रा करने का टिकट था, लेकिन बच्चे ने खिड़की के पास बैठने की जिद कर ली। खड़गपुर में एक सरकारी कर्मचारी देव बताते हैं, हमारे पास विंडो सीट टिकट नहीं थी, हमने TC से रिक्वेस्ट किया, जिन्होंने हमें सुझाव दिया कि आपके पास बैठे यात्री से अगर आप बात कर सकते हैं तो अपनी सीटों की अदला बदली करवा लीजिए। हम दूसरे कोच में गए और 2 लोगों से रिक्वेस्ट की, वो लोग सहमत हो गए। वो लोग हमारे कोच में आ गए, जबकि हम उनके कोच में जाकर उनकी सीट पर बैठ गए, जो 3 रेक दूर था। इसके कुछ देर बाद ही ट्रेन बालासोर में हादसे की शिकार हो गई, जिसमें 275 लोगों की मौत हो गई। ऐसे किस्मत ही कहेंगे कि एम के देव अपनी बेटी के साथ जिस डिब्बे में बैठे थे उसका कुछ नहीं बिगड़ा था, जबकि जिस कोच में उनकी सीट रिजर्व थी वो कोच बुरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, कई लोगों की जान चली गई। देव ने बताया, हमने जिन 2 यात्रियों के साथ अपनी सीटों की अदला बदली की थी उनके बारे में हमें पता नहीं चल सका है, हम उनकी सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, साथ ही हम इस चमत्कार के लिए ईश्वर के आभारी हैं, हमारे कोच में लगभग सभी यात्री सुरक्षित ही थे। मामूली रूप से घायल देव और उनकी बेटी स्थानीय लोगों की मदद से शनिवार सुबह कटक पहुंचने में सफल रहे। पिता पुत्री की इस जोड़ी के चमत्कारिक ढंग से बचने को लेकर हर कोई खुश है, उनके पास शब्द ही नहीं है। टक्कर के बाद कोच के अंदर गिरने के बाद उन्हें मामूली चोटें जरूर आई हैं, जिनका वो इलाज करवा रहे हैं। वो कहते हैं ना, जाकोरा के साइयां मार सके ना कोई। ऐसा ही कुछ हुआ है देव और उनकी बेटी के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।